Hello everybody, so this video is about Midbao beach and Gajbadevi temple. So Midbao is my native place, which is approximately 475 kilometers away from Mumbai. You can reach to Midbao beach by road or by train. Midbao is a very beautiful coastal village in the Kokan region of Maharashtra. So this is the road which leads to Midbao beach. And on the left hand side, you can see this beautiful Veta temple. Veta is a very famous deity in Konkan region. Veta means Rakhwaldar. Okay, so, iske bahut sare temple aapko Konkan region mein dikh jayenge. Aur thoda aage chalne ke baad, on the right hand side, ye aapko pakka road dikhega, which directly goes to Gajbadevi temple. गजबदी टेम्पल को आप डायरेक्टली कार भी लेके जा सकते हैं. अदरवाइज देन देर इज अल्टरनेटिव रूट जहाँ पे आपको मिडबाओ बीच के ऊपर से चल के गजबा देवी टेम्पल के पास जाना पड़ता है. सो विल टेक दिस रूट. और ये अभी ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड ब्रिज है, पहले ये ब्रिज नहीं था. तो ये जो पानी आपको दिख रहा है, ये जो इसके थ्रू हम लोग चल के जाते थे, तो बेसिकली ये पानी मतलब जब समुंदर को भरती आती है तो समुंदर का पानी अंदर आ जाता है. बट बारिश के टाइम ये पानी बहुत ही ज़्यादा रहता है, तो इसमें से ट्रैवल करके जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये ब्रिज बनाया गया है. एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपको ये सुरु के पेड़ दिखेंगे. तो ये भी ऑलमोस्ट 15-20 साल पहले लगाए गए थे. और एंड राइट हैंड साइड आपको ये केवड़ा करके एक फूल है, तो उसके ये पेड़ दिखाई दे रहा है. एज वी क्रॉस दिस ब्रिज एंड वी वॉक फर्दर, आपको समुंदर की आवाज़ सुनाई देने लगती है. ये देखो, ये फिर से हम लोग को थोड़ा पानी लगा. इसको सुता बोलते हैं एक्चुअली. सो वंस वी क्रॉस दिस सुता, वी कैन एक्चुअली लैंड अप इनटू मिडबाओ बीच. सो गाइस, फाइनली वी हैव रीच टू मिडबाओ बीच एंड यू कैन सी द सी वेव्स. या दे आर कमिंग टुवर्ड्स अस. ओके, सो आई एम जस्ट वॉकिंग टुवर्ड्स देम एंड या लेट मी वॉक फर्दर एंड Now we can feel them. Yeah, they are coming to us. Yeah, it's a great pleasure, okay, right from my childhood, standing in the water and enjoying the sea waves. On left hand side, you can see Tambadek beach. एंड ऑन द राइट हैंड साइड देखो, छोटा सा आपको गजबा देवी का टेम्पल दिखाई दे रहा है. ओके, सो वी आर सपोज टू वॉक ऑन दिस ब्यूटिफुल बीच टूवर्ड्स गजबा देवी टेम्पल. जैसे हम लोग वॉक करें, यू कैन सी दिस क्लियर सैंड, इट विच इज़ अ रेयर थिंग स्पेशली बीचेस ऑफ मुंबई और बीचेस नियर बाय मुंबई ऑल्सो, बिकॉज ड्यू टू पोल्यूशन एंड थोड़ ऑफ अदर थिंग्स. ओके, इतना खूबसूरत सैंड आपको वहाँ पे दिखाई नहीं देता. ओके, इट्स कम्प्लीटली वाइट सैंड एंड इसके ऊपर चलने का अपना ही एक मज़ा है. ओके, और ऑन द लेफ्ट हैंड साइड द वेव्स आर कमिंग टूवर्ड्स यू. ऑन एंड राइट हैंड साइड आपको ये पेड़ भी दिख रहे हैं. सी एज वी वॉक फर्दर, या राइट नाउ यू कैन सी मिडबाओ जेटी. सो मिडबाओ के अंदर जो भी फिशिंग के बोट्स हैं, ये मिडबाओ जेटी से अंदर जाते हैं. वाई दिस प्लेस ओनली, बिकॉज ये जो मिडबाओ का बीच है थोड़ा रॉकी है, मतलब बहुत सारे पत्थर है समुद्र के अंदर, तो थोड़ा स्विमिंग के लिए भी डेंजरस है. तो थोड़ा यू नीड टू बी वेरी, आपको प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा. तो ये जो एक छोटा सा पैच है इन बिटवीन, जहाँ पे बिल्कुल पत्थर नहीं है और पानी एकदम शांत रहता है, तो यहाँ से जनरली फिशिंग के लिए बोट समुद्र के अंदर जाती है. तो अभी ये गजबा देवी टेम्पल आपको बहुत नज़दीक से दिखाई दे रहा है. एंड नाउ वी विल क्लाइम टुवर्ड्स गजबा देवी टेम्पल. सो दिस इज़ द रूट. या देयर आर प्रॉपर स्टेप्स, तो ये स्टेप्स के ऊपर चढ़ के हम लोग को गजबा देवी टेम्पल के पास जाना है. सो नाउ यू कैन सी गजबा देवी टेम्पल. या इट्स वेरी ब्यूटिफुल. एंड और उससे भी ज़्यादा ब्यूटिफुल है यहाँ से जो व्यू दिखता है मिडबाओ बीच का. या यू कैन सी नाउ इट्स ब्यूटिफुल. ओके, मतलब आपको कम्प्लीटली मिडबाओ और तांबाड़े का बीच यहाँ से दिखता है हाइट से. एंड आपको
बहुत दूर दूर तक तो समुंदर भी दिखाई दे रहा है। एंड आपको ये दिखाई दे रहा है कि या एक फिशरमैन है इज ट्राइंग टू फिश, मतलब उसके पास एक नेट है और वो ऐसे समुंदर में जा रहा है और वो अपना लक आजमा रहा है। सो देखते हैं उसको फिश मिलती है कि नहीं मिलती आज। सो विल सी। हाँ, इसमें बहुत पेशेंस रखना पड़ता है कि मतलब एक्चुअली हम लोग जो नॉर्मल सिटीज़ में रहते हैं तो उनको तो पता नहीं चलता है, बट ये जो गांव में लोग रहते हैं लाइक स्पेशली फिशरमैन, तो उनको आग से भी दिखाई देता है कि कहाँ पे फिश है और कौन से वेव से फिश अंदर आ रहा है। सो दे कैन स्पॉट इट। तो वो क्या करते हैं कि पानी में धीरे धीरे अंदर जाते रहते हैं, या शायद इसने भी एक बार नेट फेंका है, देखते हैं अभी इसको कुछ मिला है क्या। वो पुल तो कर रहा है नेट। ओके, इज पुलिंग पुलिंग या नहीं, शायद इसको कुछ नहीं मिला। यू नीड टू बी वेरी पेशेंट वाइल्ड फिशिंग। ओके, तो बहुत टाइम के बाद फिशिंग करने के बाद ऐसा मतलब, और थोड़ा लक भी है। जस्ट रिमाइंड मी वन ऑफ माई फेवरेट नॉवल, द ओल्ड मैन एंड सी, रिटन बाय अर्नेस्ट सेमिंग्वे। या अभी उसने फिर एक बार फेंका है नेट, या फिर से पुल कर रहा है, या शायद दिस टाइम उसको कुछ मिला है लगता है, या शायद उसको मिल गया है, इसके लिए वो वापस आ रहा है। एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो आई विल सी गजबा देवी टेम्पल एंड द एरिया बिहाइंड गजबा देवी टेम्पल। थैंक्स अ लॉट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।